Hello, welcome to Enlivening India. Today we discuss General Studies, a very important topic, National Parks of India, Part 8. दोस्तों आज का हमारा पहला नेशनल पार्क है नागरहोले नेशनल पार्क. दोस्तों नागरहोले नेशनल पार्क कर्नाटका स्टेट में लाए करता है और 1988 में से एस्टैब्लिश किया गया था. नागरहोले नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है. और दोस्तों ये कोडागू और मैसूरू डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे लाए करता है कर्नाटका स्टेट में, जो कि साउथ इंडिया में लाए करता है. और दोस्तों इसे 37th प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1999 में. और ये इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का. फ्लोरा की बात की जाए तो नागरहोले नेशनल पार्क में आपको पेड़ देखने को मिलेंगे रोज़वुड के, टीक के, सैंडलवुड के और सिल्वर ओक के. और कुछ ट्रीज ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट की देखने को मिलेंगी, जैसे क्रोकोडाइल बार्क. और फॉरेस्ट में कुछ कॉन्स्पिकुअस ट्रीज भी देखने को मिलेंगी, लाइक गोल्डन शावर ट्री, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट और क्लम्पिंग बैम्बू. फौना की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे कार्निवोरस एनिमल्स में देखने को मिलेगा आपको बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, यूस्यूरी ढोल, स्लॉथ बियर और स्ट्रिप्ड हाइना. हर्बीवोर एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा चीतल, सांबर डियर, बार्किंग डियर, फोर हॉर्न्ड एंटलोप, गौर, वाइल्ड बोर और इंडियन एलिफेंट. तो आप ये देख रहे हैं टाइगर, जो कि आपको नागरहोले नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा. ये रेस्ट करता हुआ टाइगर है काबिनी रिवर के किनारे. लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा नागरहोले नेशनल पार्क के पास. इंडियन ढोल, स्लॉथ बियर, इंडियन एलिफेंट, गौर. दोस्तों गौर को इंडियन बाइसन भी कहा जाता है. सांबर डियर, चीतल और स्पॉटेड डियर, जो कि आपको नागरहोले नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा. क्रोकोडाइल काबिनी रिवर के पास. ग्रे लंगूर, मालाबार ट्रोगैन, ये काफ़ी एंडेंजर्ड स्पीशी है बर्ड की, जो कि आपको इस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी. दोस्तों हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है नमदफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट में लाए करता है. 1974 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था. दोस्तों नमदफा नेशनल पार्क लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है ईस्टर्न हिमालय का, और काफ़ी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इसे ईस्टर्न हिमालय में बताया गया है. और ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और ये थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन टर्म्स ऑफ एरिया. दोस्तों ये ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन में लाए करता है और रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है. चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में लाए करता है और बॉर्डर करता है म्यांमार. दोस्तों इसका टोटल एरिया है 1985 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 177 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये बफर जोन रखा गया है. 18 और 8 इसका कोर एरिया है. फ्लोरा की बात की जाए तो दोस्तों नमदफा नेशनल पार्क जो है वो काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है, तो इसके जो एलिवेशन रेंज है वो 300 मीटर से 4500 मीटर की रेंज में ये लाए करता है. और यहाँ पे आपको काफ़ी मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसीडियस से टेम्परेट ब्रॉडलीव्ड फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट से अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगा. और मैमल्स में भी यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी. फौना की बात की जाए तो कार्निवोरस एनिमल्स में आपको रेड पांडा, रेड फॉक्स, येलो थ्रोटेड मार्टन, यूरेशियन ऑटर, स्पॉटेड लिनसैंग, एशियन पाम सिविट, लार्ज इंडियन सिविट, फिशिंग कैट, एशियन गोल्डन कैट, टू मंगू स्पीशी. और हर्बीवोर एनिमल्स में इंडियन एलिफेंट, वाइल्ड बोर, मस्क डियर, इंडियन मुंजैक. तो सो इंडियन मुंजैक को इंडियन बार्किंग डियर भी कहा जाता है. हॉक डियर, सांबर, गौर, गोराल, मेनलैंड सिरो, टेकिन और भराल देखने को मिलेगा. तो आप ये देख रहे हैं ये येलो थ्रोटेड मार्टन है.
लार्ज इंडियन सिविट जो इस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा, एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर, ये एक सेमी एक्वेटिक मैमल है जो कि आपको इस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, इंडियन वॉल्फ, क्लाउडेड लेपर्ड, दोस्तों र्यूफिस नेक्ड हॉर्नबिल। दोस्तों आप ये इसका गले का कलर आप देख रहे हैं, र्यूफिस कलर है ये, रेडिश ब्राउन कलर, इसे र्यूफिस कलर बोलते हैं। इसका गला पूरा इस रेडिश ब्राउन कलर का है, इसलिए इसका नाम र्यूफिस नेक्ड हॉर्नबिल रखा गया है। लाफिंग थ्रश और पैरटबिल्स देखने को मिलेंगे, फिलवेटा देखने को मिलेगा, श्राइक बैबलर्स देखने को मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है नामेरी नेशनल पार्क। दोस्तों नामेरी नेशनल पार्क असम स्टेट में लाए करता है और 1978 में इसकी आधारशिला रखी गई। नामेरी नेशनल पार्क जो है ये ईस्टर्न हिमालयन की फुटहिल्स में लाई करता है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में, और ये 35 किलोमीटर है तेजपुर से। दोस्तों इसके जो नामेरी के जो पास का गांव है ये चारीद्वार गांव है, इससे 9 किलोमीटर की दूरी पे नामेरी नेशनल पार्क लोकेटेड है। ये आप ओवरव्यू देख सकते हैं नामेरी नेशनल पार्क का। दोस्तों फ्लोरा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट, जिसमें आपको ज़्यादा पेड़ केन और बैम्बू के देखने को मिलेंगे, और खुले हुए ग्रासलैंड ज़्यादातर देखने को मिलेंगे जो कि नदियों के किनारे हैं। और फॉरेस्ट में आपको एपीफाइट्स, लियानास, क्रीपर्स और क्लम्प फॉर्मिंग बैम्बूस देखने को मिलेगी। फौना की अगर बात करूँ दोस्तों तो ये एक्सेलेंट प्लेस है एलिफेंट्स को रहने के लिए, एलिफेंट्स को रखने के लिए नामेरी नेशनल पार्क। और एलिफेंट्स के अलावा आप यहाँ पे टाइगर देख सकते हैं, लेपर्ड देख सकते हैं, सांबर, ढोल, पिग्मी हॉग, इंडियन वाइल्ड बायसन, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गौर, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, केप्ड लंगूर और इंडियन जाइंट स्क्विरल देख सकते हैं। तो आप ये एलिफेंट देख रहे हैं नामेरी नेशनल पार्क में। मुंजैक, दोस्तों मुंजैक को बार्किंग डियर भी कहते हैं। इबिसबिल, दोस्तों इबिसबिल एक प्रकार का वेडिंग बर्ड होता है जो कि नदी में आधे पांव डुबो के अपने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पे जिंदा रहते हैं। तो इस टाइप के वेडिंग बर्ड्स हर जगह पाए जाते हैं, जो कि ऐसे प्रिडेटर्स रहते हैं जो कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इल्लियों पे जिंदा रहते हैं। और ये इंडियन जाइंट स्क्विरल, लेपर्ड कैट, प्लोवर्स, दोस्तों प्लोवर्स भी एक प्रकार के वेडिंग बर्ड्स हैं जो कि नदियों के किनारे पे पाए जाते हैं, छोटे मोटे कीड़ों पे जिंदा रहते हैं ये। हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में लाए करता है, 1982 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये सराउंडेड है नंदा देवी पीक से, जो कि 7,816 मीटर्स की हाइट पे सिचुएटेड है ये पीक, और ये नॉर्दर्न इंडिया में लाए करता है। और यूनेस्को ने इसे नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया था 1988 में। तो ये आप ओवरव्यू देख सकते हैं नंदा देवी पीक की, और इसी से पूरा घिरा हुआ है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क। दोस्तों फ्लोरा ऑफ नंदा देवी नेशनल पार्क की बात की जाए तो जो हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स है जो यहीं पे आपको देखने को मिलेगी नंदा देवी नेशनल पार्क में, और नंदा देवी नेशनल पार्क में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स की वैरायटी देखने को मिलेगी। 312 फ्लोरल स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें से 17 जो हैं वो रेयर हैं, और फर, बर्च, रोडोडेंड्रॉन और जूनिपर जो है यहाँ का मेन फ्लोरा है, रमानी, एल्पाइन, प्रोन मॉसेस और लाइकेंस आर द नोटेबल फ्लोरा स्पीशीज़ फाउंड इन नंदा देवी नेशनल पार्क। फौना की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको लार्ज मैमल्स में हिमालयन मस्क डियर, मेनलैंड सिरो, हिमालयन तहर देखने को मिलेगी, कार्निवोर्स में स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर और ब्राउन बियर।
तो आप ये देख रहे हैं, ये एक भेड़ जैसी बकरी जैसी प्रजाति रहती है जो हिमालयन रीजन में पाई जाती है, इसे हिमालयन तहर बोलते हैं। स्नो लेपर्ड जो कि इस रीजन में पाया जाता है, ब्राउन बियर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट नेशनल पार्क है न्योरा वैली नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है और 1986 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। न्योरा वैली नेशनल पार्क जो है ये कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल के, और 1986 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों ये 88 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है और काफ़ी रिचेस्ट बायोलॉजिकल जोन है ईस्टर्न इंडिया का। ये नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेड पांडा के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रेड पांडा देखने को मिलेंगे। फ्लोरा की बात की जाए तो फॉरेस्ट जो है ये मिक्स्ड स्पीशी देखने को मिलेगी, रोडोडेंड्रॉन, बैम्बू, ओक, फर्न, साल एक्सेट्रा, और न्यूमरस स्पीशीज ऑफ ऑर्किड, मतलब काफ़ी ज़्यादा फूलों की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। और फौना की बात की जाए तो मैमल्स में आपको देखने को मिलेंगे इंडियन लेपर्ड, 5 स्पीशीज ऑफ सिविट, ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर, गोल्डन कैट, वाइल्ड बोर, लेपर्ड कैट, गोराल, सिरो, बार्किंग डियर, सांबर, हिमालयन फ्लाइंग स्क्विरल, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेड पांडा। तो आप ये देख रहे हैं रेड पांडा, ये आपको सबसे ज़्यादा इस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा न्यूरा वैली में, क्योंकि ये काफ़ी अनडिस्टर्ब्ड एरिया है और वाइल्ड वाइल्डनेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। और पक्षियों की काफ़ी अच्छी प्रजातियां आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, लाइक रूफस थ्रोटेड पैट्रिज, गोल्डन नेप्ड फिंच, हुआरी थ्रोटेड बारविंग, मरून बैग्ड एसेंटर। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।